ओके, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है हमें, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल थ्योरम है ज्योमेट्री का। अगर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही यूज में आता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम होते क्या है इसे समझ। बेसिकली ये थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लीकेबल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज पे। समझिए इसे, समकोण त्रिभुज होता क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का। जैसे कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जिसे भुजा कहते हैं हिंदी में, वो हाइपोटेनस कहलाता है, हिंदी में कहें तो कर्ण। और बाकी के बचे दो साइड जो है ये लेग्स ऑफ दिस ट्रायंगल कहते हैं, लेग्स ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर हिंदी में कहें तो पैर होते हैं इस ट्रायंगल के। तो इसे क्या कहते हैं, एक को कहते हैं बेस मन आधार, और दूसरे को लंब बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दोनों मीडियम को मैं लेकर चल रहा हूं। तो समझिए इसमें रिलेशन क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में एक साइड के बीच में रिलेशन होता है, इनके साइड्स के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन वो होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स बेस और परपेंडिकुलर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीजें हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, वो समझ लेते हैं कि आधार कौन सा होगा इस ट्रायंगल में, बेस कौन, जो कि बेस, और परपेंडिकुलर कौन होगा। इन जनरल क्या समझते हैं बच्चे कि जो नीचे वाले साइड्स हैं ना, जैसे कि ये ए बी साइड है, इसे आधार मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो है परपेंडिकुलर लंब, लेकिन ऐसा नहीं होता। आधार और लंब जो है, बेस और परपेंडिकुलर, ये डिपेंड करता है किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। एक एंगल 90 डिग्री है बी, बचे एंगल ए और सी, ये दोनों वेरी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, राइट। जिसमें से यहां पे 90 डिग्री तो गिवन है, बचे दो एंगल ए और सी, तो ए और सी मिलके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तभी तो ये तीनों मिलके आपके 180 होंगे, क्योंकि सी बी ऑलरेडी 90 है, तो ए और सी मिलके ही 90 डिग्री होना चाहिए। तो ए कितना होगा और सी कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि ए कितना होगा, बताए। देखिए ए और बी दोनों वेरी करेंगे, अगर ए को इंक्रीज करेंगे तो बी डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली दोनों मिलके 90 डिग्री होना चाहिए। जब आप सपोज ए, मैं सी कह रहा हूं, बी अगर कहूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर ए 45 है तो ऑब्वियसली सी भी क्या होगा, 45 होगा, इक्वल इक्वल दोनों मिलके 90 हो गए। अगर ए 90 हुआ, कम हुआ, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए अगर 30 हुआ सॉरी, तो बी क्या हो जाएगा आपके, बी क्या हो जाएगा, 30 हो रहा है तो 60 और 30 हो जाएगा, सी आपके 30 हो जाएगा, 60, राइट। उसी तरीके से अगर वायरी करें, ठीक है ना, अगर ए को जीरो करें तो सी आपके क्या हो जाएगा, 90, मतलब एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ आपका परपेंडिकुलर दिखेगा, बेस तो है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो जैसे अगर हम चेंज करें एंगल को, ए और सी चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए आपका 45 तो आपके सी भी 40, वो चेंज होंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखिए कुछ फिगर से समझ में आएगा कि चेंज जैसे कर रहे हैं तो आपके एंगल चेंज हो रहे हैं। अब मैं बता दूं कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो किस तरीके से, उसका नामकरण जो है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में ए को कंसीडर कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, ए को रेफरेंस लिए तो ए के सामने वाला जो साइड है बी सी, ये परपेंडिकुलर होगा, और ए के नीचे जो आपको बेस दिख रहा है ये बेस होगा, समझ में आ रहा है ना। तो जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं कि उसके नीचे वाला ये, उसके जुड़े हुए जो साइड है वो बेस होता है, उसके जस्ट सामने वाला आपके परपेंडिकुलर। वैसे ही अगर सी मैं ले लिया, ठीक है, तो सी क्या होगा, ऑब्वियसली सी लिया तो इसके सामने वाला जो बेस था वो अब परपेंडिकुलर हो गया, और जो परपेंडिकुलर था वो आधार हो गया। एक और बात, अगर एंगल ए को थीटा मैं ले रहा हूं तो एंगल सी क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंगल सी क्या होगा, ऑब्वियसली ये दोनों मिलके ए और सी 90 हो गए, तो एक थीटा है तो ऑब्वियसली सी जो होगा 90 में से थीटा माइनस कर दिए, 90 माइनस थीटा। ये छोटी छोटी बात है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डिपेंड करता है आपके एंगल पे, ठीक है।
ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसको कुछ थ्योरम को आप देखते हैं। थ्योरम मैं बताया था, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। तो अगर ज्योमेट्रिकल फिगर अगर देखें तो कुछ इस तरीके से फिगर होगा, दिख रहा है ना, तीन स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्क्वायर कर रहे हैं तो एक स्क्वायर, ठीक है ना। बेस का स्क्वायर तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, और मिल क्या रहा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तीनों को अगर इस तरीके से देखें तो दो स्क्वायर को सम कर रहे हैं तो एक तीसरा स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिकल समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको, ठीक है। अब इससे होता क्या, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन है तो तीसरा राइट फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का हेल्प से। देखिए जैसे यहां पे ये तो फिगर आपको दिख रहा है यहां पे, अब इसमें क्या है कि दूसरा फिगर ये मैं दिखा देता हूं, ये भी हो गया आपका क्लियर, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये दिख रहा है ना, इससे पहले ये आपका था, ठीक है ना। इसी का जस्ट मैं अरेंज किया हूँ, इस फिगर को अरेंज किया हूँ, ये आपका क्या हो गया, अगर मैं कलर चेंज करूँ, ये बेस एज्यूम किया हूँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये 90 डिग्री है ए बी सी, अगर ये 3 है सेंटीमीटर और मीटर, और ये 4 है सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर ले लो, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, फॉर्मूला तो मैं बताया हूँ कि एच जो हो स्क्वायर जो होता है क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें अगर एच ही चाहिए ना स्क्वायर के साथ तो नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर को दूसरे तरफ अगर भेजते हैं ना तो ये अंडर रूट में हो जाता है, एच स्क्वायर टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। और गौर कीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर दूसरे तरफ जब जाता है ना तो साइन यहाँ प्लस और माइनस के साथ होता है, दोनों दो वैल्यू मिलते हैं, ठीक है ना। क्लास टेंथ में अगर होंगे तो आपको पता चलेगा कि दो वैल्यू कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी ऑब्वियसली 3 है, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो गया अंडर रूट 25। अब 25 है तो 5 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 5 और अगर रूट के अंदर पेयर में है तो अकेले निकल जाता है, आपको मिला 5। तो देखिए अननोन था एच, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी, ठीक है, ओके, ये आई होप, हाँ 5 स्क्वायर आपका ये हो गया। उसी तरीके से कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक अगर अननोन है, बेस अगर अननोन है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं अगर आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपके पास बेस को मैं ले लेता हूँ 6 और हाइपोटेन्यूज अगर 10 है तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल को कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक और बात मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए h फाइंड आउट करना है तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, उसी तरीके से हमें तो p फाइंड आउट करना है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू इधर h स्क्वायर, ऑलरेडी है h स्क्वायर, और इधर से b स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा माइनस b स्क्वायर, p क्या हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है और ये बेस परपेंडिकुलर ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है एंगल्स पे, ठीक है ना। तो अगर बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे, और परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ पे माइनस किसे किए, बेस को, समझ में आया ना, ये बेस को माइनस किए, ओके, ठीक है, कलर चेंज, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर टू अंडर रूट एच स्क्वायर 10 100 हो जाएगा, b क्या है 6 36, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 में है 36 माइनस करेंगे तो 64 मिलेगा, दैट इज 8 × 8, तो आपको क्या मिलेगा 8, तो ये हो गया 8 परपेंडिकुलर। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं,
कि अगर एक दो साइड्स गिवन है तो तीसरा कितना होगा, तीनों का ये पेयर आपके जो रिजल्ट है वो कुछ गिवन है इस तरीके से, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर वो तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन याद अगर है तो बेहतर है ना। अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में उसमें बेस 3 दिया है और परपेंडिकुलर 4 दिया है, तो हमें याद होना चाहिए कि हाइपोटेनस 5 होगा। और दूसरे अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर यहीं पे मैं बताया हूँ, अगर 6 है बेस और हाइपोटेनस 10 है, तो ऑब्वियसली एक जो होगा हमारा साइड परपेंडिकुलर वो 8 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ रिजल्ट है वो याद कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब इसका यूज कहाँ आता है ये देख लेते हैं। जैसे अगर स्क्वायर के डायगोनल मैं पूछूं कि स्क्वायर के डायगोनल कितने होते हैं, अगर आपको याद है जैसे कि अंडर रूट 2 है, ठीक है, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसे। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर सही है ना। इस स्क्वायर में ये डायगोनल अगर नाम दे दो ए बी सी डी, ये स्क्वायर, तो इस स्क्वायर में डायगोनल ए सी है ना, तो स्क्वायर के साइड तो इक्वल होते हैं। मान लेता हूं मैं सारे साइड ए है, ए ये भी ए, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा फिगर। तो इस फिगर में मैं एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपके पास एंगल मैं ले लिया, ये इस एंगल को, इसके सामने वाले आपके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, जो कि ए होगा, साइड ए है, सब ए है, ए ए ए ए, ये साइड है, ठीक है, तो ये भी ए होगा। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर है, तो हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, ए इंटू ए पेयर में है तो ए बाहर निकल जाएगा, सॉरी, तो आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा अंडर रूट 2 ए, ये डायगोनल ऑफ अंडर रूट 2 ए, ये रिजल्ट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर होते हैं हाइट वो कितना होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, सिंपल यही है कि एक हम पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये परपेंडिकुलर जो है, इसको अगर मैं नाम दे दूं, हमारे पास अगर मैं नाम दे दूं इसका, तो ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे डी दे देता हूँ, डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो सी डी क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू व्हाट, हमें ए बी इज इक्वल टू पता है, सॉरी, ओके ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए मैं ले लेता हूँ, बी सी भी आपका ए होगा और ए सी भी ए होगा, और परपेंडिकुलर जो होता है ना बेस को डिवाइड करता है टू पार्ट में, तो यहाँ से अगर मैं दूसरा ट्राइंगल, खैर यहीं पे मैं बता देता हूँ, ए अपॉन टू हो जाएगा, ये भी ए अपॉन टू हो जाएगा, ये आपका पता नहीं है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ये आपका हाइपोटेनस तो गिवन है, तो कुछ ट्रायंगल इस तरीके से आपको मिलेगा, ए डी एंड दिस वन सी, ये ए अपॉन टू पता नहीं है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट पता नहीं है, हाइपोटेनस भी ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन ए। तो अगर सॉल्व करें, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्वियसली हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे बेस के स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ होगा माइनस, अगर इसमें कर ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन टू होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर छूट गया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व अगर करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, एलसीएम अगर मैं लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, एलसीएम समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, माइनस ए स्क्वायर होगा अपॉन में 4, ठीक है ना, एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, रिजल्ट में यहाँ पे मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये अंडर रूट में 2 इंटू 2 बाहर, ए स्क्वायर को भी ए इंटू ए लिख सकते हैं, ये भी बाहर, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला, अंडर रूट के अंदर 3 ए अपॉन 2, ये हो गया परपेंडिकुलर, रूट 3 ए अपॉन 2।
अब इसका यूज हम एरिया फाइंड आउट करने में करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का एक बेसिक तरीका है कि अगर बेस पता है 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये वो वाला परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये टेंजेंट और टेंजेंट नहीं होता है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर, तो वही है। तो ये है आपका 1/2 बेस जो है पूरे ट्रायंगल का, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस टोटल लेंगे ना, तो ए अपॉन टू नहीं, ए इंटू हाइट अभी फाइंड आउट किए थे, क्या √3 ए अपॉन टू, ये क्या हो जाएगा, ए नीचे आपका 2 × 2 = 4 हो गया, ए इंटू ए, तो √3 ए स्क्वायर अपॉन 4 इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है तो हम तो वो निकाल लेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ए परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, ठीक है ना, ये गौर कीजिएगा। किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा तो हम डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिवन नहीं है और साइड पता है, तो उसके साइड के टर्म में ये फॉर्मूला, समझ रहे ना। तो ये हुआ आपका बेसिक पाइथागोरस थ्योरम का, हर जगह यूज में आता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्मूथ होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतने लोगों को बताइए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं वीडियो के रिगार्डिंग कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाए, ठीक है ना, तो वैसे ही वीडियो मैं आपके पास प्रोवाइड करूंगा। अभी वीडियो कुछ बेसिक ही आपके पास आएंगे, अभी वीडियो कुछ बेसिक आएंगे, पहले के वीडियो अभी जो रुके हुए हैं लाइक क्लास 10th के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो अगर आपके डिमांड में होगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं कुछ बेसिक अभी सोच रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का ये डिमांड था कि बेसिक कुछ वीडियो लाइए, ठीक है ना। सो अगले लेक्चर में मिलेंगे, ओके।